वीडियो में बताने वाले हैं वैसे परीक्षार्थी, वैसे जो कि छात्र एवं छात्रा, जो आदमी मैट्रिक का एग्जाम दिया हुआ है उनका जो कि रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में सारा जानकारी आपको देने वाले हैं। और कितने जो कि छात्र एवं छात्रा मिलकर मैट्रिक का एग्जाम दिए थे, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार पूर्ण रूप से रिजल्ट को तैयार कर लिया गया है। यह जो कि ये होली एक त्यौहार है, उसकी वजह से आपका जो कि यह रिजल्ट पेंडिंग में था, तो यहाँ पे आपको डिसाइड कर दिया गया है, यानी 31 मार्च को ही आपको रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिसमें से 16 लाख छात्रों में छात्रा शामिल होंगे। 31 मार्च को ही तकरीबन 1:30 से 2 बजे के आसपास आपका रिजल्ट इसमें जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी छात्रों में छात्रा का रिजल्ट जो जारी होगा 31 मार्च को, जो कोई लड़का या लड़की अगर उसमें पास करती है, तो उस टाइम में लड़का कोई पास करता है तो 10,000 रुपया मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि की तरफ से दिया जाएगा, और लड़की जो कि है सेकंड डिवीजन भी करती है उनको 8,000 रुपया दिया जाएगा, और फर्स्ट का तो ऑलरेडी उनको पता है कि 10,000 मिलेगा, लेकिन 8,000 रुपया उन्हीं कास्ट वाले को दिया जाएगा जो कोई आदमी SC और ST के अंतर्गत आता होगा। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से ऑफिशियल जो कि न्यूज़ के तौर पर बता दिया गया है कि 31 मार्च 2024 को ही मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिसमें से पूर्ण जो कि है छात्र एवं छात्रा जो शामिल हैं वो 16 लाख बताया जा रहा है। जैसे इसका लिंक एक्टिव होगा मैं दूसरा वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि कहां से आपको रिजल्ट को चेक करना है। जैसे हम इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो जारी किया गया था, बहुत सारे छात्र एवं छात्रा का खुद ब खुद हम अपने टेलीग्राम चैनल के अनुसार बहुत लोग डाटा हमको भेजा था, सभी का जो कि रिजल्ट को चेक कर कर हम PDF भी उनको भेज दिए हैं। और आप भी हमसे आप रिजल्ट चेक कराना चाहते हैं तो हमारे जो कि टेलीग्राम चैनल से जुड़िए या व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे जो कोई डाटा हमको भेजेगा कमेंट बॉक्स में वहाँ पे उनका जो कि रिजल्ट चेक कर PDF जो कि अपने चैनल के माध्यम से उनको दे देंगे। तो पूर्ण रूप से आप समझ लीजिए, जो कोई लड़का या लड़की मैट्रिक के एग्जाम दिए हुए हैं उनका जो कि रिजल्ट 31 मार्च 2024 को आने वाला है। और अभी भी इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उरा शर्मा फिल्म उतरने टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।